तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे उड़ीसा का खस्ता गोजा। एक तरह का मिठाई होता है जो उड़ीसा में बहुत फेमस है और तकरीबन हर होटल में मिल जाता है। इसको खाने के बाद मुंह में ऐसे पानी आ जाता है। आप इसको खा के देखिए, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 टेबलस्पून देसी घी की, 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, 1 बड़े चम्मच मैदे, बड़े कटोरी का मैदे, और पानी जितना ज़रूरत हो। तो चलिए फ्रेंड, इसको बनाते हैं। पहले आप मैदे में ये जो देसी घी है 2 चम्मच, इसको आप ऐसे डाल दीजिए। ठीक है, डालने के बाद फ्रेंड्स इसको आप ऐसे मिलाइए। इसमें आप बेकिंग सोडा ऐड कीजिए। जितना भी घी बचा हुआ है वो दे दीजिए आप इसमें। अब देखिए, पूरी तरह घी जो है वो आपका मैदा के से पूरा मिल जाए, उसी तरह से आप इस मैदे और घी के मिश्रण को बनाइए। मैं थोड़ा सा धीरे 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 थोड़ा सा पानी मिलाइए फ्रेंड्स, ताकि पानी इतना मिलाइए जितना ये सूखा डो रहे, ज़्यादा गीला ना हो जाए। धीरे 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 थोड़ा सा पानी मिलाइए। देखिए फ्रेंड्स, ये अभी आपका जो हम बनाए थे वो डो रेडी हो चुका है। ये आप इस तरह से देखो ये ना फ्रेंड्स, तो ये सूखा है, इतना सूखा रहना है। ये पता चल रहा है अंदाजे से कि ये सूखा ही है। तो इसको हम अभी वैसे गोला बना के ऐसे रख देंगे, और थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा पानी ऐसे ऐसे लगा देंगे। पानी लगा के इसको हम अभी छोड़ देंगे। और इसके ऊपर एक आप या तो पॉलिथीन रैप कर सकते हो, और या तो फिर आप इसमें कोई कपड़ा ढक के रख सकते हो, या तो फिर आप इसको एक प्लेट लीजिए और प्लेट को इसमें ढक दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए। उतने देर में हम अभी क्या करेंगे, हम अभी इसके लिए चाशनी रेडी करेंगे। ठीक है, चाशनी के लिए आप एक कटोरी चीनी लीजिए, और जितना चीनी ले रहे हैं उतना उससे आधा उसका आधा पानी लीजिए। ठीक है, अब इसमें आप जो शक्कर है उस शक्कर को आप इसमें डाल दीजिए। ठीक है, शक्कर डाल दीजिए। शक्कर डालने के बाद इसको थोड़ा हिलाइए। तो ये हमारा अभी चाशनी जो है वो रेडी हो चुका है। तो इसको चेक करने के लिए फ्रेंड्स आप कुछ मत कीजिए, ऐसे करके लाइए। ये एक देखिए, ये सीधा जैसे निकल रहा है, ये आपका रेशा बन रहा है ना फ्रेंड्स, ये रेशा बनना चाहिए। ठीक है, ये रेशा बनने से आपका चाशनी रेडी हो गया। ठीक है, तो हमारा अभी डो रेडी हो चुका है। ये आधा घंटा हो गया, हमने पहले आधा घंटा पहले इसको डो को बनाया था। तो अब फ्रेंड्स को कुछ नहीं करना, ऐसे 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 आप इसको ऐसे बड़ा कर देना चकले पे रख के। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ऐसे आप बड़ा करो। बड़ा करने के बाद फ्रेंड्स इसको आप एक काम करो, एक चक्कू, इसको एक धार चक्कू से आप इसको बीच में से काट दो फ्रेंड्स। ये कट गया आपका। ये कटने के बाद फ्रेंड्स इसको उठाओ और इसके ऊपर फिर ऐसे रख दो।
ठीक है फ्रेंड्स। और फिर इसको उसी तरह आप फिर से ये प्रोसेस को आप 4-5 बार दोहराओ फ्रेंड। इसको आप 4-5 बार जैसे ही दोहराओगे तो ये मोटा हो जाएगा। और इसके बाद फिर एक बार आप इसको काट के ये देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे आपके लेयर की तरह हो गया है, पूरा लेयर लेयर हो गया है। ये लेयर होने के बाद ना आप इसको फिर एक बार ऐसे कीजिए। अब इसको आप बीच में से ऐसे काट दीजिए फ्रेंड्स। अब इसको आप गोजा की शेप में काट दीजिए। देखिए कैसे लेयर लेयर है, ठीक है। अब इसको ऐसे बनाइए। और एक कढ़ाई में क्या कीजिए फ्रेंड्स, एक कढ़ाई में आप रिफाइन का ऑयल ले लीजिए। अभी आप देख सकते हो ये सुनहरा गोल्डन कलर का हो चुका है, थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर इसमें आ रखा है। तो इसको और डीप गोल्डन कलर, जैसे वो डीप ब्राउन कलर हो जाएगा तब हम इसको कढ़ाई से निकालेंगे फ्रेंड्स। और इसको बीच बीच में आप पलट दीजिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि दोनों साइड आपका गोल्डन ब्राउन होगा। देखो फ्रेंड्स, अभी ये पूरा ब्राउन कलर का हो चुका है आपका, जो तलने के बाद ये खस्ता। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको आराम से धीरे धीरे ऐसे निकाल लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। निकालने के बाद ये निकालेंगे एक एक करके, और इसको अभी हम चाशनी में डालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चाशनी में डाल देंगे। अब इसको आप ऐसे चाशनी में डाल के थोड़ी देर भी छोड़ दीजिए इसमें। तो थोड़ी देर छोड़ देंगे तो ये पूरा ये जो चाशनी है ये एब्जर्ब कर लेगा। अब ये मिठाई देखिए पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है। अब इसको हम प्लेटिंग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका पूरा खास्ता रेडी हो चुका है। अब प्लेटिंग करके दिखाते हैं आपको।